जय श्रीमन्नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 10 विभूत योग श्लोक 37। वृष्णे नाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अपि अहम् व्यासः कवीनाम उशना कविः। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के विभूत योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहे बाड़न, अर्जुन वृष्ण यादव लोक के वंशज में हम वासुदेव हई, पांडव में हम अर्जुन हई, ऋषि मुन के लोक में हम व्यास बानी और विचारक लोक में हम शुक्राचार्य हई। श्रीमन नारायण यादव वंश के सीधे वसुदेव के रूप में अवतार लहले रहले। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ वसुदेव हई और ऊ खुदे श्रीमन नारायण बाड़े और वसुदेव के रूप में अवतार लेले बाड़े। अर्जुन परमात्मा के अंतरंग भक्त बाड़े और अर्जुन के भी इतना धन्य भैल बा कि ऊ परमात्मा से गीता ग्रहण कहले, जौन सब उपनिषद में के सार बा। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ अर्जुन हई और ऊ ओ अर्जुन में आपन तत्व ऊंचा रखले बाड़े। व्यास महर्षि वेद के खंडन में बाटले जे श्रीमन नारायण के सही ज्ञान प्रदान करेला और व्यास दुनिया के ओ वेदन के सुगम समझ खातिर उपयोगी श्रेष्ठ महाकाव्य के प्रदान कहले। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बानी कि ऊ व्यास महर्षि बानी और ऊ ओ व्यास में आपन तत्व ऊंचा रखले बाड़े। शुक्राचार्य एगो बहुत ही विद्वान विचारक रहन जे नैतिकता के विज्ञान में आपन विशेषता खातिर जानल जाले। श्री कृष्ण परमात्मा कहत बाड़े कि ऊ शुक्राचार्य बाड़े और ऊ शुक्राचार्य में आपन तत्व ऊंचा रखले बाड़े। आई हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा की याद कही जाए। जब भी हमनी वासुदेव के नाम सुन जाता हमनी के पहचान लेनी जा कि श्री कृष्ण परमात्मा से वासुदेव हवे। जब भी हमनी के अर्जुन व्यास और शुक्राचार्य के नाम सुनी जा ताई हमनी के उनकरा में श्री कृष्ण परमात्मा की छवि देखल जाए। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करत समय आपन जीवन के सार्थक बनावे के प्रयास करत आई श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दन के श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। वृष्णे नाम वासुदेवोऽस्मि पांडवा नाम धनंजयः मुनीनामपि अहम् व्यासः कवीनाम् वुशना कविः। श्रीमन्नारायणा करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भगवद्गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवद्गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जे के मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा,
हे श्रीमन्नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। मुनि के पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन्नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले, कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद भगवद गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गएलू, हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। वृष्णे नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनीनाम अपि अहम् व्यासः, कवीनाम उशना कविः। ओम। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनीनामपि अहं व्यासः, कवीनाम वुशना कविः। श्रीमन्नारायणा, करिष्ये वचनं तव, सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम के अपेक्षा रहला, एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा, ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।